अरे नहीं मालूम था बाप, ये ऐसा मामला है। आज एक बीजेपी के एमपी है आजमगढ़ यूपी के, उनका वीडियो चल रहा है। उनसे पूछा गया बेरोजगारी का सवाल, तो बड़ा ही बेहतरीन जवाब उन्होंने दिया। मोदी जी ने तो रोक दिया, एक भी बच्चा आया मोदी जी का बताओ, कोई एक भी बच्चा है योगी जी का? तो योगी जी मोदी जी तो बेरोजगारी रोक दी है कि भाई नहीं हम नहीं बढ़ाएंगे, तो बढ़ा कौन रहा है ये बेरोजगारी? जो बच्चे पे बच्चा पैदा किए जा रहा है और सरकार कह रही है रुक जाओ, तो मान भी नहीं रहा है। जबरदस्त जबरदस्त जवाब दिए उन। मैं भी ताजुब कर रहा था कि मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई बात, बस वक्त आप सुन के ताजुब करते हैं कहां से सोचा भाई ने। तो उन्होंने ये बोले, देखो बेरोजगारी का मसला हल कैसे होगा, तुम लोग बच्चे पैदा कर रहे हो, मोदी जी और योगी जी बच्चे नहीं पैदा किए, तुम लोग पैदा कर रहे। अरे नहीं मालूम था बाप, ये ऐसा मामला है। उन्होंने कहा कि योगी जी और मोदी जी बच्चे नहीं पैदा कर रहे, आप लोग पैदा कर रहे। अच्छा तो क्या करना, बंद कर देना क्या है ये? उन्होंने बच्चे नहीं, अरे उनका फैसला हम एहतराम करते, मगर हम तो पैदा किए ना, हमारा बेटा है हमारी बेटी है, हमारी बेटियां हमारी बीवियां नौ नौ महीने पेट में रख के पैदा की अपनी औलाद को। एक माँ जो तकलीफ उठाती है अपनी औलाद को पेट में रखकर पैदा करते तक, वो माँ ही जानती है। अभी नो बोल रहे नहीं तुम बच्चे ने पैदा करे। मेरे दिमाग में एक बात आया कि काश इससे पूछते तू कैसे पैदा हुआ था, बताना है ना तू कैसे पैदा हो गया। अब जाहिर है मीडिया वाले कल से चलाएंगे ओवैसी का भड़काऊ भाषण, ठीक है हम आपके दूल्हे भाई है, हम ही है और तो मिलता नहीं है आपको। अरे तू कैसे पैदा हुआ बता, मैं सोच रहा था वीडियो देख कर तू कैसे पैदा हुआ भाई, आम फाट से तो आनी आ गए ना, अम्मा की पेट से आप और हम आए। हम बताइए कि नौकरी नहीं मिल रही तो बोल रहे प्राइम मिनिस्टर और योगी बच्चे नहीं पैदा किए, तो फिर क्या उनको कैसे नौकरी मिल गई फिर प्राइम मिनिस्टर की और उसकी हमको कहीं क्यों नहीं मिल रही? उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बन गए 10 साल, उन्होंने 8 साल से 7 साल से मुख्यमंत्री है देश के सबसे बड़े प्रदेश के, ये बीजेपी का काम है। और आज आप देख रहे हैं कि नौजवान बेरोजगार है भारत में, इतना बेरोजगारी इस मुल्क में अंदाजा नहीं है। मैं तो कभी कभी एयरपोर्ट पर मुझे बीजेपी के नौजवान मिल जाते और मुझसे शिकायत करते, तू बड़ा भाषण देता बहुत तेज बोलता देख के रहना, फिर आके बोलते सेल्फी लेना, मेरा एक बात बोल तेरा काम सेल्फी लेना है या नौकरी भी मिली तेरे को? बोलते बहुत प्रॉब्लम है वो इसी भाई नौकरी नहीं है। फिर क्या कर रहे हैं तुम लोग, ये मुझे गाली देने से तुमको पेट भर जाएगा, तुम मुझे गाली दोगे मेरे कपड़े को मेरे दाढ़ी को गाली देने से तुमको नौकरी मिलेगी, तेरे घर में चिराग जलेगा, तेरे बच्चों की स्कूल के फीस का इंतजाम होगा, तेरी बहन की शादी का इंतजाम होगा, पूछो खामोश हो जाते।